हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर जब आप ईयरफोन सेटिंग को इनेबल करते हो उसके बाद वहां पे आपको देखने को मिल जाता है हेडफोन रिमोट बटन, यानी कि इस सेटिंग से क्या होता है। और इस सेटिंग के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इन ऑप्शनों को कैसे यूज किया जाता है और इन ऑप्शनों से क्या परिवर्तन पड़ता है आपके हेडफोन या ईयरफोन के अंदर, वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इन सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। अब यहां पर आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर या तो आपको ईयरफोन सेटिंग सर्च कर लेना है या तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करें तो आपको नीचे आना है, यानी कि स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, सबसे नीचे यहां पे देखने को मिलेगा ईयरफोन सेटिंग्स, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस सेटिंग पे क्लिक करते हो तो यहां पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है हेडफोन्स रिमोट बटन सेटिंग, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो तो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है कंट्रोल वॉल्यूम लेवल, उसके बाद कंट्रोल म्यूजिक प्ले बैक, यानी कि इस सेटिंग से यहां पे होता क्या है। जैसे यहां पे अगर आप इस ऑप्शन पे यूज करके रखते हो कंट्रोल म्यूजिक प्ले बैक, तो क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन से जब अपने मोबाइल फोन से हेडफोन या ईयरफोन कनेक्ट करके रखते हो और उस वक्त आप सॉन्ग सुन रहे होते हो तो वहां पे क्या होगा कि अपने ईयरफोन के अंदर जैसे यहां पे देखने को मिल जाता है आग साइन बटन, यानी कि इस पे क्लिक करते हो तो यहां पे आपको बटन देखने को मिल जाती हैं, यानी कि उसी सेटिंग का ये भी हिस्सा है। ये इसके अंदर आपको पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि आप उस सेटिंग के अंदर जब आप प्ले बैड म्यूजिक यानी कि ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, म्यूजिक प्ले बैड फीडबैक वाले सेटिंग पे क्लिक करते हो तो इन बटन का मतलब ये होता है कि अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और अपने हेडफोन से ही या आप ईयरफोन से आप सबसे ऊपर वाली बटन से और यहां से सबसे नीचे वाली बटन से अपना गाना चेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको बैक करना है, बैक करने के बाद इस पर फिर से क्लिक करना है, यहां पर देखने को मिल जाता है कंट्रोल वॉल्यूम लेवल। अगर आप चाहते हो कि अपने हेडफोन की बटनों से अपना वॉल्यूम आवाज कम कर लें या ज्यादा कर लें, या आप चाहते हो म्यूजिक चेंज कर ले तो आपको इस पे क्लिक करके रखना है, या आप चाहते हो कि अपने मोबाइल फोन के वॉल्यूम आवाज को अपने हेडफोन से या ईयरफोन बटन से आप कम ज्यादा कर लो। जैसे हमारे इस ईयरफोन के अंदर वो बटन नहीं लगी हुई है, बहुत सी ईयरफोन के अंदर वो बटन आपको मिल जाती है, यानी कि तीन बटन देखने को मिल जाती है इस तरह की, जैसा यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह की बटन देखने को मिल जाती है। तो यहां पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि हमारे ईयरफोन की बटन से या हमारे हेडफोन की बटन से हमारा गाना चेंज होना चाहिए या हमारा वॉल्यूम आवाज इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। तो इस सेटिंग से अपने मोबाइल फोन के अंदर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पूरा डिटेल्स में पता चल गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।